विज्ञान आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी पोर्टल पर एक नए ऑप्शन को एनेबल किया गया है। अब आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अभी नेक्स्ट मंथ में अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे, जीएसटी आर वन एंड थ्री भी फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, तो आपको किस चीज का भी ध्यान रखते हुए रिटर्न फाइल करनी है, कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। जीएसटी पोर्टल पर अब ये फैसिलिटी ऑटोमेटिकली एनेबल कर दी गई है। क्या सर्विस के अंडर, रिटर्न के अंडर में, रिटर्न कंप्लायंस के अंडर में एक नया जीएसटी रिटर्न फॉर्म है TRC01C या ITC मिसमैच के लिए ऑटोमेटिकली एनेबल होगा और इसके जो नोटिस हैं वो तुरंत के तुरंत इशू किए जा रहे हैं। ये एक नया रूल है, रूल 88D, उससे गवर्न है। मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूँ रूल में क्या पावर्स दी गई है, तो हम डायरेक्ट रूल 88D के बारे में बात करेंगे। ये जो डील करता है रूल 88D, ये बात करता है आपकी GSTR 3B एंड GSTR 2B के मिसमैच की, इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिसमैच की, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा गया है कि जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करते हैं, ठीक है, बाय रजिस्टर्ड पर्सन द रिटर्न फॉर ए टैक्स पीरियड GSTR 3B, तो अब आपको ध्यान रखना है जब आप अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जितना GSTR 2B में डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब है आपको अगर ये डाटा 14th को जनरेट होता है, क्योंकि ईच मंथ ये 14th को जनरेट हो जाता है डाटा, तो आपको 15th के बाद ये अपनी रिटर्न फाइल करनी है और प्रॉपरली एक एक इनवॉइस देखते हुए फाइल करनी है। तो इसमें क्या है कि जो फॉर्म है, फॉर्म GST DRC 01C, वो इलेक्ट्रॉनिकली आपके पोर्टल पर सर्व किया जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ, पहले पोर्टल पर व्यू पर आप क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि अभी ये मैं आपको बिल्कुल रिसेंटली दिखा रहा हूँ कि ये जो ऑप्शन एनेबल किया गया है ये अभी एनेबल किया गया है। तो इसमें क्या है कि स्टेटस के अंडर में भी आप जाकर चेक कर सकते हैं कि पेंडिंग कौन से हैं, कंप्लीट कौन से हो गए हैं, रिटर्न के हिसाब से भी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 23-24 के लिए, क्योंकि अभी ये रिसेंटली नया रूल आया है और ये जून से इसमें डाटा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। उससे पहले के लिए ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स नहीं भरना है, उससे पहले का अगर मिसमैच होता है तो उसके केस में जो ज्यूडिशियल ऑफिसर है वो टाइम लिमिट के अंडर, क्योंकि जीएसटी में क्या है टाइम लिमिट होती है किसी भी केस के लिए, किसी भी ईयर के लिए एडजस्टमेंट की टाइम लिमिट है वो 6 ईयर्स की होती है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने मंथली खुद से ही इसको एनेबल कर दिया, तो आपको जो नोटिस है वो फटाफट से आएंगे। आपको ध्यान रखना है ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अपडेट करना है, कि GST DRC 01C जो है वो आपको पोर्टल पर भी सर्व होगा, ईमेल पर भी मिलेगा और सर्विस के अंडर में आप यूजर सर्विस में जाकर व्यू एडिशनल नोटिस में चेक करेंगे, यहाँ पर भी आपको ही दिख जाएगा, ठीक है। अब जो इसकी गवर्निंग है और उसकी टाइम लिमिट क्या है कि आपको क्या करना है, किस तरह से रिप्लाई देना है, वो सब यहाँ पर बात करेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि रूल कितना स्ट्रिक्ट है। उसमें क्या लिखा गया है कि जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अमाउंट जो है आपको या तो एक्सेप्ट करके जमा कर देना है DRC 03 के थ्रू विद इंटरेस्ट, या फिर आपको रीजन जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। रीजन इसमें ऑटोमेटिकली भी दिए गए हैं, कुछ रीजन इन्होंने स्पेसिफाइड किए हैं। सबसे मेन पॉइंट आता है विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज, तब आपको ध्यान रखना है, कॉन्शियस रहना है, रिटर्न में कोई गलती नहीं करनी है। मतलब जब आप अपनी रिटर्न फाइल करें तो प्रॉपरली चेक करके करें कि GSTR 2B में कितना इनपुट आ रहा है। अगर किसी पार्टी का इनपुट नहीं आया है तो अब वो आपको खुद से टैक्स जमा करना है, फिर नेक्स्ट मंथ में जब वो रिफ्लेक्ट होगा तब आप ले सकते हैं, या फिर आप पार्टी से कम्युनिकेट करेंगे वो आपको ऑटोमेट अपने आप अदर रिकवरी करनी होगी जो भी आपके अदर प्रोविजंस है। मतलब आप खुद से रिकवरी करेंगे, जीएसटी एक्ट में ऐसा नहीं है कि अगर आपने किसी से गुड्स परचेज किया है, आपने उसके टैक्स की पेमेंट विद इनवॉइस के साथ कर दी है, तो यहाँ पर कोई एज सच रिकवरी के प्रोविजंस नहीं है। बट GSTR 2B में, आपके GSTR 2B में जब तक ये डाटा रिफ्लेक्ट नहीं होगा तब तक आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, और इसके लिए दोनों लायबल है। मतलब जो सप्लायर है, मतलब जिससे आपने गुड्स या सर्विस बाय की है, वो तो लायबल होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपकी भी लायबिलिटी यहाँ पर बनी। तो DRC 01C को एनेबल कर दिया। इससे पहले जो दूसरा फॉर्म यहाँ पर एनेबल किया गया है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। इससे पहले जब हम रिटर्न कंप्लायंस में गए थे तो यहाँ पर जो है दूसरा फॉर्म था DRC 01B, ये बात करता था GSTR 1 और 3B के मिसमैच की। मतलब अब आपको GSTR 1 में भी कोई मिस्टेक नहीं करनी है, 3B भी कोई मिस्टेक नहीं करनी है। अगर कोई मिस्टेक गलती से हो भी जाती है तो प्रॉपर 7 दिन के अंदर अंदर रीजनिंग आपको देनी है, अगर आपका नोटिस आता ही आता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर लिखा गया है कि जब आपको रिसीट होता है नोटिस तो उसका आपको 7 दिन में रिप्लाई करना होता है। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके केस में क्या होगा कि जो आपकी GSTR 1 और 3B है वो ब्लॉक कर दी जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ नोटिस इशू किए जाएंगे सेक्शन 73-74 के अंडर में भी जो प्रोविजन है वो भी अप्लाइड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर फास्ट प्रोसेसिंग की बात हो रही है कि या तो आप जो है एक्सेप्ट कर लीजिए DRC 03 के थ्रू, जमा करा दीजिए टैक्स को,
बट मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा कि जो DRC 03 के थ्रू आपके टैक्स जमा करते हैं उसमें क्या दिक्कत आती है कि उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि वो उसकी रिकवरी लेना मतलब उसका रिफंड लेना थोड़ा टफ होता है। तो आप अपने रिटर्न में कोई गलती ना करें, और अगर 2B में नहीं दिख रहा है तो जैसे मैंने बताया है कि आप अपनी तरफ से टैक्स को भर दें, फिर जब नेक्स्ट मंथ में रिफ्लेक्ट होगा तब आप उसको क्रेडिट ले लें। तो उससे क्या होगा कि आपके GST पोर्टल पर तो कम से कम अवेलेबल बैलेंस रहेगा आपके पास, बट अगर आपने टैक्स नहीं भरा, आपको नोटिस आ गया, नोटिस के इसमें आपने DRC 03 के थ्रू पेमेंट कर दिया, तो ये वाला जो पेमेंट है ना तो आपको एडजस्ट करने के लिए मिलेगा और ना ही आपको रिफंड होने के लिए मिलेगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। रिप्लाई तो सबमिट करना ही करना है, बट विद रीजनिंग आपको रिप्लाई सबमिट करना है कि जब 2B में नहीं दिख रहा था तो आपने क्लेम क्यों किया। ठीक है, इसके कई सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी होंगे कि बैक पीरियड का था, वहां पर आपका छूट गया था गलती से, आपने क्लेम किया है, तो वो एक अदर पॉइंट्स हैं। वो यहाँ पर GSTR 2B को ऑटोमेटिकली इतना एनेबल किया गया है कि उसके बेस पर यहाँ पर डाटा आएगा DRC 01C के। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जहां पर कोई रूल में स्पेसिफाइड किया गया है कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई, ना ही कोई रीजन फर्निश किया गया, तो उस केस में क्या होगा कि सेक्शन 73 और 74 की जो है वो प्रोविजन एनेबल कर दिए जाएंगे, और जो भी मतलब जो डिमांड है वो पोर्टल पर भी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, यह एक पॉइंट यहाँ पर यह भी दिया गया है कि अगर आपने रीजन सबमिट किया और प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो भी जो अमाउंट है वो लायबल होगी, वो डिमांड की जाएगी, 73-74 के स्ट्रिक्ट प्रोविजन आपके ऊपर एनेबल कर दिए जाएंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है GSTR 1 हो GSTR 3B हो, इस नए ऑप्शन के एनेबल होने के बाद आपको जो है क्रेडिट में थोड़ा ध्यान रखना है कि क्रेडिट आपको उतना ही लेना है जितना 2B में आपका दिख रहा हो। ऐसा ना हो कि DRC 01C का नोटिस आया उसके बाद आपको बाद में प्रॉब्लम। DRC 01B में तो फिर भी क्या है, लाइबिलिटी है GSTR 1 3B की, तो उसका आपको प्रॉपर रीजनिंग देना देना है। बट इसमें क्या है, 2B किसी थर्ड पर्सन पर रिप है आपकी है कि भाई किसी अदर पर्सन की गलती की वजह से आपको भी यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। तो इन दोनों की स्ट्रिक्टनेस को आपको समझना है। रिटर्न कंप्लायंस के दोनों फॉर्म एनेबल है। GSTR 1 और 3B के कंप्लायंस के लिए यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी एंड कंपेरिजन के अंडर में फीचर है, काफी अच्छा फीचर यहाँ पर एनेबल्ड है, इसका आप यूज करें। मतलब मंथली आपको जब भी आप रिटर्न फाइल करें उससे पहले इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, GSTR 1 GSTR 3B का मैचिंग होना जरूरी है। उसी तरह से यहाँ पर ITC के लिए दिया गया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट 3B में कितना है और 2B में कितना है। पॉइंट नंबर 1 और 4 आपके लिए काफी यूजफुल है, इसका यूज करें। इसी टाइप के काफी सारे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, अब वीडियो देखेंगे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।